हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो डायरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट टिश्यू हमारा क्लासिफाइड है मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। हमारे मेरिस्टमैटिक के अंदर आए थे हमारे एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी, जो कि हमारे किससे रिलेटेड थे, प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड टिश्यू। आज हम देखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा था PCS, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इसी की आज थोड़ी डिटेल देखने वाले हैं हम। तो बेसिकली हमारा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे पैरेन्काइमा से। तो पैरेन्काइमा हमने लर्न किया था कैसे, सीक्वेंस में हमने ये तीनों टिश्यूज याद किए थे PCS। तो फर्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, ये है हमारा फूड स्टोरेज टिश्यू। फूड स्टोरेज टिश्यू यानी कि जो इसकी सेल्स है, पैरेन्काइमा की सेल्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू यानी कि उस टिश्यू की सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का काम। सेकेंडली ये देती है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखिए जैसे कि हम डिफरेंस के वे में अगर इसको देखें तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड स्टोर करना। सेकेंड कोलेन्काइमा का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देना। किसी भी प्लांट की जो लीफ होती है, जब हम लीफ को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पर क्या होता है, एकदम से तो कोई प्लांट की लीफ ब्रेक नहीं होती, उसको हल्का हल्का हमें मोड़ना पड़ता है, फिर जाके वो ब्रेक होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो आ रही है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है हमारे कोलेन्काइमा से, कोलेन्काइमा सेल्स से। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का मोस्ट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हार्डनेस एंड स्टिफनेस। यानी कि जो हमारा प्लांट हार्ड एक जगह पे स्टैंड है, वो हार्डनेस हमारी किसकी वजह से है, वो हमारी है स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वो प्लांट को क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ताकि प्लांट थोड़ी सी भी जो हमारी एडवर्स कंडीशन आती है उनके अंदर ब्रेक ना हो, एकदम से टूटे ना। क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट, कौन, पैरेन्काइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट कोलेन्काइमा भी क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है। थर्ड, अब जैसा कि स्क्लेरेन्काइमा में हमने देखा था हार्डनेस एंड स्टिफनेस है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। नेक्स्ट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, जो हमारा पैरेन्काइमा है इसकी सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जैसा कि हमने देखा था ये दो सेल्स इस तरह से अगर जॉइंट है तो इनके बीच का स्पेस, यानी कि जो ये स्पेस है टू सेल्स के बीच वाला स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस है इसके अंदर लार्ज। नेक्स्ट कोलेन्काइमा के अंदर थोड़ा कम स्पेस है, क्योंकि जो इसकी सेल वॉल है थोड़ी सी क्या हो गई है, थिक हो गई है। तो जो सेल्स के बीच में स्पेस है वो क्या हो गया, कम हो गया है, मिनिमाइज हो गया है। तो थिकन एट द कॉर्नर्स, तो क्या हो गया, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, जो स्पेस है सेल्स के बीच में वो भी क्या हो गया, कम हो गया है। नेक्स्ट है हमारा थिकन वॉल ड्यू टू लिग्निन। अब जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है इसके ऊपर होती है लिग्निन की डिपोजिशन। लिग्निन एक मटेरियल है जिसकी क्या होती है, इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वॉल्स, जो सेल वॉल है वो और भी ज्यादा थिक हो जाती है। अब सेल वॉल जब थिक हो गई तो क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस, जो दो सेल्स के बीच में स्पेस है वो बिल्कुल ही नैरो हो गया, खत्म, मतलब नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है, बिल्कुल कम हो गया। तो इसमें क्या होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस नहीं होता दो सेल्स के बीच में। अब पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या है, लिविंग सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वो लिविंग है, और कोलेन्काइमा लिविंग एंड स्क्लेरेन्काइमा है डेड। तो आप इसको याद रख सकते हो लिविंग, लिविंग, डेड। अगर आप इसको सीक्वेंस में याद रखोगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो इसकी सेल्स कैसी है, लिविंग, लिविंग और डेड। अब एक चीज, जो हमारी पैरेन्काइमा सेल्स जिनके पास हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, उन पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। एंड जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिनकी सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, यानी कि एयर फिल होती है, उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। जो इनकी सेल्स है उसमें एयर फिल होती है। अब जो एयर फिल होती है उसका काम क्या होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है उनकी अगर सेल्स के बीच में एयर फिल होगी तो वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, बाउंसनेस प्रोवाइड करेगा। तो उसमें क्या होता है, जो भी फ्लोटिंग हमारे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो भी वाटर में फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, उनके पास क्या होता है, एरेन्काइमा होता है, क्योंकि उन्हें फ्लोट करना होता है, वो उसको बाउंसनेस प्रोवाइड करती है एयर, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।